नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल। बहुत बहुत स्वागत है भक्तों। भक्तों, आज मैं एक ऐसा चमत्कारी उपाय लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में, जो कि पीपल के पत्तों से आसानी के साथ आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं। चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी का भी आप आसानी के साथ वशीकरण कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से लाखों लोगों को फ़ायदा पहुंचा है और आप लोगों को भी फ़ायदा पहुंचेगा। तो बने रहिएगा और आगे तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ आएगा। और जो कमेंट बॉक्स में नंबर डालते हैं उन नंबरों पर कॉल ना करें, क्योंकि वो नंबर मेरे नहीं होते हैं। अगर आपका धन व्यर्थ में गंवाते हैं तो मेरी कोई जवाबदारी नहीं रहेगी, ना ही मेरे चैनल की। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि लास्ट तक देखेंगे तो समझ आएगा, और उपाय करिए। अगर उपाय से काम नहीं होता तो मैं फ्री कार्य करके दूँगा आपका। कई वीडियो पे मैं स्क्रीन पे नंबर देता हूँ, मुझे आप ओनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप में अपना बता सकते हैं कि हाँ गुरुजी मैंने किया, नहीं हुआ तो मैं फ्री में करके दूंगा, क्योंकि मुझे अपने उपायों पे भरोसा है कि काम सक्सेस हो ही जाएगा। और जब भी करें तो अपना नाम और सामने वाले का नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएँ, ताकि आप लोगों का भी मैं यहाँ से हेल्प कर पाऊँ। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए चैनल वीडियो को आगे बढ़ा करके आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको यह कार्य करना है। तो इसके लिए हमें 4 लौंग की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा सिंदूर, 3 अगरबत्ती जला लीजिएगा, 1 पत्ते पे अपना नाम और प्लस जिसके लिए करना है उसका नाम, ठीक है, अपना नाम जिसके लिए करना है उसका नाम, माता पिता का नाम, ठीक है। अब माता पिता का किसका लिखना है, अपने माता पिता का नहीं, जिसके लिए आप कर रहे हैं, जिसके लिए यह कार्य कर रहे हैं उसके माता पिता का नाम होना चाहिए, ठीक है। अपने माता पिता का नाम नहीं चाहिए, अपना सिर्फ नाम चाहिए, और उसका नाम और उसके माता पिता का नाम, ठीक है। अब आप लोगों को एक मंत्र मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो कि मंत्र आप लोगों की मांग थी कि गुरुजी जो आप बोलते हैं समझ नहीं पाते हैं, जो आप पेपर में लिखते हैं थोड़ा सा पेपर साफ नहीं आता है, तो आप लोगों के लिए एक सरल उपाय लेकर के आया हूँ कि मैंने स्क्रीन पर उपाय दिया हुआ है, मंत्र दिया हुआ है। तो वो मंत्र पहले आप ध्यान से देखिए, उसको मैं फिर समझा के बताऊँगा क्या करना है। पहले आप मंत्र को ध्यान से रोक करके वीडियो उसे लिख लीजिएगा, ठीक है। गायत्री मंत्र है, बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, इतने जल्दी उसका प्रभाव होगा कि 3 से 4 घंटे में वह व्यक्ति आपके कदमों में आ जाएगा। तो स्क्रीन पर दिया हुआ मंत्र को आप लिख लीजिएगा, उसको 121 बार जाप करना है। कब जाप करना है मैं आप लोगों को बताऊँगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़े से चावल डालने हैं, ठीक है, और थोड़े से इसमें दोनों में चावल डालना है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सिंदूर डालना है, ठीक है। अभी मंत्र का उच्चारण मत करिएगा, मैं दिन भी बताऊंगा किस दिन करना है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से आपको, ठीक है। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को थोड़ा समझ आएगा किस प्रकार से यह कार्य करना है आप लोगों को, ऐसे में समझ आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको मंत्र कब बोलना है इसको मिक्स करिए पहले, ठीक है। यह उपाय बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं, और शांत शांत वातावरण में यह उपाय करें, शांत एरिया में, और जिसके लिए कर रहे हैं उसका मन में पूरी तरह से ध्यान कर लें, ठीक है। इस तरीके से मिक्स करना है, ठीक है, ये हमने मिक्स कर दिया, हमने तीनों चीज़ मिक्स कर ली है दोनों पत्तों पर, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, एकांत पर बैठ जाना है, प्रभु का ध्यान लेकर के गायत्री मंत्र जाप करना है 121 बार। अब जाप चालू कर दीजिए, ठीक है, 121 बार जब आप जाप पूरा कर लें उस मंत्र को, यह मैं आपको दिन बताए दे रहा हूँ, यह गुरुवार को, शनिवार को और मंगलवार को कर सकते हैं, गुरुवार शनिवार मंगलवार किसी भी टाइम कर सकते हैं, जब आपके पास टाइम हो, ठीक है। और उसी दिन क्या करना है, जब 121 बार आप पूरा कर लें तो इस पत्ते को मोड़ लेना है, ठीक है, ध्यान दीजिए, और मौली को बांध लीजिएगा, ठीक है, साफ़ सुथरा नहा धो करके करना है, ठीक है, साफ़ सुथरा नहा धो करके करना है, ठीक है। और हो सके तो आप सफ़ेद वस्त्र का धारण करिए, सफ़ेद वस्त्र जो हो सफ़ेद वस्त्र को धारण कर लीजिए अगर हो सके तो, नहीं तो कोई भी साफ़ सुथरे कपड़े आप पहन सकते हैं। इतना करने के बाद मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्या करना है आगे। ये हमने दोनों हमने बांध लिया, ठीक है, इसको क्या करना है, हमें जाना है बहते हुए पानी में, पानी के पास, ठीक है, बहते हुए पानी के पास जाने, जब ही जाएं, जब यह कार्य करें इसके 5 घंटे के अंदर अंदर जाना है,
बहता हुआ पानी अगर नहीं मिलता है, अगर नहीं मिलता है सपोज बाई चांस नहीं मिलता है, बहता हुआ पानी ज़रूरी अगर नहीं मिलता है तो रुका हुआ पानी भी हो, तो आप लोगों को अब क्या करना है, एक को डालने के बाद पांच बार नाम लेना, पानी में डाल देना, एक पुड़िया डालने में पांच बार उस लड़की का या लड़के का जिसके लिए कर रहे हैं पांच बार नाम लेना है, ठीक है। दूसरा डालेंगे तो 11 बार नाम लेना है, कोई भी डाल दीजिए ज़रूरी नहीं, दूसरा अगर पानी में छोड़ेंगे तो 11 बार नाम लेना है। इतना करने के बाद वापस चले आइए घर, कुछ नहीं करना पड़ेगा, यकीन मानिए ये ऐसा चमत्कार हो जाएगा मेरे प्यारे भक्तों, ऐसा चमत्कार हो जाएगा जो आपने कभी कभी किसी ने आपको ये ज़िंदगी भर याद करेंगे कि किसी ने मेरे को उपाय बताया था, और इन गुरु जी के कारण आप खुद प्रचार करने लग जाएंगे। यकीन मानिए भक्तों यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है और आप लोग इसे ज़रूर करें। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय श्री राम भक्तों, राम राम।